इसने बर्गर की रोटी बना दी है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि घर में पूजा है सुंदरकांड की, और फिर शाम को प्रिंसर में जाएंगे कहीं ऐसी पार्टी करने, प्रिंसर में ही सिर्फ। और फिर छोटे बच्चों की पार्टी है बाबू वगैरह की, तो उनका भी कुछ सामान वामान मतलब हमें अरेंज करना है, क्योंकि छोटे हैं ना वो, तो इसलिए मतलब वो नहीं कर सकते ना इस वजह से। सो देखते क्या करना है फिलहाल। तो जॉय बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, जो कुकू कर रहा है, उसको बाहर जाना है, तो सब बाहर चलते हैं। चलो जॉय, हाँ कम अरे चलो वो अम्मो अच्छे से पकड़ लो, गिर जाओगे। सो गाइस, लंच आ चुका है और 1:30 बज गए हैं, और दाल चावल रोटी है, और थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है 2 बजे। सो देखते हैं, मतलब हाँ मज़ा आएगा। सो गाइस, पंडित जी आ चुके हैं और 2 बज गए हैं, और चलते नीचे अभी, तो अभी अभी चलते नीचे। तो गाइस, बाहर तो अभी भी हो रहा है वन, और मेरे एकदम कान टी से बोल रही है, मैं एकदम से यहाँ पे आया हूँ ना इतने शोर से कमरे में, और फिलहाल तो अभी चल ही रहा है, लगता है अभी काफ़ी बचा है। सो आपसे मिलता हूँ ये सब करने के बाद। वैसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं होश में मतलब पहली बार बैठ रहा हूँ हवन में। इससे पहले लास्ट टाइम जब इस घर का वो हुआ था उद्घाटन टाइप, तब बैठा था। अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इसके बाद फिर से खेल शुरू हो चुका है, ड्राइवर यहाँ पे इस बार एनी ड्राइव कर रही है। सो गाइस, फिलहाल हम आ रखे हैं सामान लेने के लिए बच्ची की पार्टी का, प्रिंस भी आया था उसमें, और कुछ सामान यहाँ से लेना है, और कुछ सामान मतलब कोक वगैरह ले चुके हैं। सो देखते फिर लेते हैं सामान वगैरह। अरे ओ नहीं पर है, साथ से जाएगा तुम्हारे, चलो तुम्हें पकड़ लेते हैं लास्ट में, मुझे पकड़ा दो ना सब कुछ। चलो दादा आपको पकड़ा, फिर हम आ चुके हैं बैग चेल वाला काम करते हुए बच्चों के लिए। हाँ गए बच्चे फरमाते हैं हमारे कालोस भैया, निगरी वाले भैया, मत बोलो हेलो यार जाओ आते। सो गाइस, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, प्रिंस की बारी है बांटने की, प्रिंस को बांट रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 अम्मो के लिए चिप्स है, हाँ क्योंकि अम्मो छोटी है ना, इसलिए अम्मो के लिए चिप्स है। अम्मो डीजे, अम्मो डीजे। मजा आया है मु, मजा आया, मजा आया मु, बाय बोलो। सो गाइस, रेडी तो हो चुका हूँ बाहर जाने के लिए, मतलब डोमिनोज वगैरह जाएंगे, और फिलहाल हम वेट कर रहे हैं एक दोस्त अम्मो, एक मिनट रुक जा, और प्रिंसर में तो रेडी है, पर हमारा एक और दोस्त आ रहा है, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं अभी। सो थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे।
गाइस हम निकल चुके हैं और स्कैम हो गया, 200 का नोट हो गया मेरा, पर फिर भी पापा ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और मेरा उदास चेहरा देख के। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं, आपसे मिलता हूँ वहीं पर सीधा, थोड़ा अपडेट नहीं है ना एक लव इसीलिए। तो चलते हैं फिर। भीड़, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है अंदर भी बाहर भी, सो कहीं और देखना पड़ेगा फिलहाल तो। सो कहीं हम पहुँच चुके हैं, एक्चुअली हम अग्रवाल पर आए हैं, एक्चुअली हम अग्रवाल पर आए हैं और भीड़ थी। हाँ, और ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पर सबसे कम भीड़ एक्चुअली, न्यू ईयर तो सब यहीं पर आके है और ऑर्डर दे दिया है, आप देखना क्या है। थैंक यू भैया। सो गाइस अपना आ चुका है ऑर्डर, पाव भाजी मंगाई 3 प्लेट। सो गाइस वहाँ से बाहर आ चुके हैं और हम कहीं और जगह ढूंढ रहे हैं और कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाने के लिए, छोटा मोटा ढाबा टाइप, क्योंकि वहाँ पे तो खाली है ना, अब और भी ट्राई करने के लिए देख रहे हैं। तो गाइस फिलहाल हम आ रखे हैं पिज्जा सर्कल पे और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया है, प्रिंस ने किया है ऑर्डर को। ये हमारा वेटर है, जान बुझे कैसे वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस हमने चीज़ बर्गर आ चुका है और फिर टेप मार रखी है। टेप ला के दे रहे हैं, टेप कौन इसके, टेप दे रहे हैं, नॉट एपिक। खोल ली तूने, फाड़ के बाहर निकाल लो एक बार। गरम गरम। इसने बर्गर की रोटी सब्जी बना दी है। नीतीश की किस्मत ही थी। गाइस बेचारा, गाइस इसने बर्गर की रोटी सब्जी बना दी है। शुरुआत से उल्टा पलट के खा रहा था। अद्भुत। और आप देख रहे हैं, खत्म हो गया, बंद करना पागल। तो ना हाँ, पिज्जा सर्कल से आ चुके हैं और अभी जाने शेक पीने के लिए, थोड़ा आ गई यहीं से, काफी शोर है, बहुत ट्रैफिक है। सो गाइस हम वापस आ चुके हैं, मतलब अपने एरिया में, मतलब अपने एरिया, घर पर नहीं आए अभी, घर की तरफ जा रहे हैं। नीतीश के घर पे छोड़ने जा रहे हैं पहले। हाँ, और 9:30 हो गए और 10 बजे कर्फ्यू लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी नीतीश को छोड़ना है, वैसे पास नहीं है उसका। सो आपसे मिलता सीधा घर पे, ब्लॉग का एंड करते समय या फिर एडिटिंग करते समय। सो गाइस घर पे तो 9:30 बजे आ गया था, उसके बाद थोड़ी देर बैठा और 12:30 हो गए अभी, और एडिटिंग कर रहा था, कंप्लीट नहीं हुई है पर ऑलमोस्ट हो गई है। जॉय और माधवी इधर सो चुके हैं और फिलहाल मैं भी सोता हूँ, कल रात को ही मैं लेट सोया था और आज पूरे दिन भी, मतलब मैं दोपहर में सोया नहीं हूँ। और आज आपने देखा हमने सेलिब्रेशन करा न्यू ईयर का, बच्चों ने भी करा, और फिलहाल मैं करता हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, इफ यू गाइस एंजॉयड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोल रहे तो पागल हो गए।